हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हरी फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आने वाले हर नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन, द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन आर एज फॉलोज। बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारे ड्रग को अब्जॉर्ब करने में रोकता है या धीमा कर देता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। ड्रग रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, उसमें आता है फिजिकल स्टेट एंड कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो अगला है नेचर ऑफ डोसेज फॉर्म, उसमें आता है पार्टिकल साइज एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन रेट। ओके, तो ये था कुछ ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। तो अगला है पेशेंट रिलेटेड, उसमें देखते हैं पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें आता है पीएच ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस, प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट। ओके, तो ये था कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट है फार्माकोजेनेटिक फैक्टर्स एंड डिसीज स्टेट। तो ये सब फैक्टर्स क्या करता है, हमारे ड्रग को अब्जॉर्ब होने में रोकता है, यानी कि धीमा कर देता है। तो चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके इसके बारे में। तो पहला है ड्रग रिलेटेड, यानी कि जो फैक्टर्स ड्रग रिलेटेड है। ओके, तो पहले उसमें आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। तो पहला आता है फिजिकल स्टेट, लिक्विड्स आर अब्जॉर्ब बेटर देन सॉलिड एंड क्रिस्टलॉइड्स आर अब्जॉर्ब बेटर देन क्लड, हेंस मिक्सचर्स एलिक्सर्स टॉनिक्स आर बेटर अब्जॉर्ब देन टैबलेट्स। ओके, तो इस फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं कि हमारा ड्रग्स कौन सी स्टेट में है, इधर इट इज़ सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड्स आर बेटर अब्जॉर्ब देन सॉलिड। ओके, तो जो लिक्विड ड्रग्स है वो क्या होता है, सॉलिड ड्रग से जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, वैसे ही क्रिस्टलाइट जो है वो कोलाइड से जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, हेंस मिक्सचर्स एलिक्सर्स टॉनिक्स आर बेटर अब्जॉर्ब देन द टैबलेट्स। ओके, तो वैसे ही मिक्सचर एलिक्सर टॉनिक जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो टैबलेट से बेटर अब्जॉर्ब होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगला है कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ड्रग कौन सी फॉर्म में है, आइदर इट इज़ इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म या डाइल्यूएट फॉर्म। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा था, उस पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड रहता है। ड्रग गिव्स एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज अब्जॉर्ब फास्टर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, अगर हम ड्रग को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एडमिनिस्टर करें तो वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है इन कंपेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन से जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगला है नेचर ऑफ डोसेज फॉर्म, तो उसमें हम पहला देखेंगे पार्टिकल साइज, कि हमारा ड्रग का जो पार्टिकल साइज है वो बड़ा है या छोटा है इसमें देखेंगे। इन केस ऑफ सम ड्रग्स फॉर्मुलेशन एज एंटीबायोटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्मॉल ड्रग पार्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर बेटर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वेयर एज सम ड्रग लाइक एंथेलमिंटिक्स सच एज बाइपेनियम हाइड्रोक्सिल नैप्टाइड, पार्टिकल साइज शुड बी लार्ज इनफ टू रिड्यूस इट्स अब्जॉर्प्शन, थस मेकिंग द ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक। तो पार्टिकल साइज में हम क्या देखते हैं, हमारा ड्रग के साइज़ को देखते हैं, यानी कि वो इधर बड़ा है या छोटा है उसको हम देखते हैं। तो इसमें देखेंगे ड्रग फॉर्मुलेशन सच एंटीबायोटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कुछ ड्रग्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसका पार्टिकल साइज जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन उससे हमें बहुत अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। और कुछ ड्रग जैसे कि एंथेलमिंटिक बाइफिनियम हाइड्रोक्सिल नैप्टाइड, उसका क्या है, पार्टिकल साइज जो है वो बहुत बड़ा है और वो रिड्यूस होने में यानी कि अब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगता है, पर इस ड्रग का जो ट्रीटमेंट है वो बेटर इफेक्टिव यानी कि मोर इफेक्टिव है और लेस टॉक्सिक होता है। तो डोसेस फॉर्म में अगला पॉइंट है डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन टाइम। ओके, क्विक डिसइंटीग्रेशन टाइम एंड डिसोल्यूशन रेट गिव्स फास्टर अब्जॉर्प्शन। अगर हमारे ड्रग जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाए या उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कम हो जाता है और डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारा ड्रग जो है वो जल्दी अब्जॉर्ब होने लगता है। तो ये था कुछ ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। अब देखते हैं कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में। तो उसमें पहला आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, तो उसमें हम देखेंगे पीएच ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड के बारे में। वीकली एसिडिक ड्रग आर रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एज दे एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक इन एन आयोनाइज्ड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल सैलिसिलेट एंड बारबिट्यूरेट्स। कुछ ड्रग जैसे कि वीकली एसिडिक ड्रग जो है वो हमारे स्टमक से जल्दी यानी कि रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है,
क्योंकि वो हमारे स्टमक के एसिडिक मीडियम में जाके अनायोनाइज्ड यानी कि जमा हो जाता है। उससे क्या होता है, वो जल्दी यानी कि रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक से। वैसे ड्रग का एग्जांपल है सैलिसिलेट एंड बारबिट्यूरेट्स। वीकली बेसिक ड्रग आर नॉट अब्जॉर्ब अंटिल दे रीच द अल्कलाइन एनवायरमेंट ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन एज दे गेट कन्वर्टेड इन एन आयनाइज्ड फॉर्म, फॉर एग्जांपल पेटिडिन एंड इफिड्रिन। वीकली बेसिक ड्रग जो है वह जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि जब तक वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पीएच यानी कि अल्कलाइन पीएच में नहीं पहुंच पाता वो क्या होता है, अब्जॉर्ब नहीं होता। वो पता है उससे ड्रग के एग्जांपल है पेटिडिन एंड इफिड्रिन। ओके, तो अगला देखेंगे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर गैस्ट्रिक कंटेंट टू एम्प्टी। हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट को एम्प्टी होने में यानी कि खाली होने में जो टाइम लगता है उसे हम गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कहते हैं। ओके, द ड्रग्स विच इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम लीड्स टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। जो ड्रग्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है वह ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देता है यानी कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस डिक्रीज हो जाता है। एंड द ड्रग्स विच डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम लीड्स टू इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। ओके, और जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है वह ड्रग जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है यानी कि उसके एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो अगला देखेंगे एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस। ड्रग आर बेटर अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन देन द स्टमक बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ड्रग जो है क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जल्दी अब्जॉर्ब होता है इन कम्पेयर टू स्टमक, क्योंकि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्टमक, इसलिए वो लार्ज इंटेस्टाइन से जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, तो अगला देखेंगे प्रेजेंस ऑफ अदर एजेंट। विटामिन सी एनहेंस द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। विटामिन सी जो है वो हमारे आयरन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, कहाँ पर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर। ओके, तो अगला पॉइंट देखेंगे कैल्शियम प्रेजेंट इन द मिल्क एंड एंटासिड फॉर्म इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद टेट्रासाइक्लिन एंड रिड्यूस देयर अब्जॉर्प्शन। ओके, अगर हम टेट्रासाइक्लिन यानी कि टेट्रासाइक्लिन ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं इन विथ मिल्क, तो क्या करता है वो, मिल्क में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है, मिल्क एंटासिड में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है। कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करने के बाद वो टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है यानी कि रिड्यूस कर देता है। ओके, तो ये था फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब देखेंगे कुछ फार्माकोजेनेटिक फैक्टर्स। एंजाइम इन्फ्लुएंसिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है वह किससे होता है, एंजाइम्स के जरिए, और एंजाइम्स पर डिपेंड रहता है। ओके, तो स्टडी ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड ए फार्माकोजेनेटिक्स। ओके, तो जब हम ड्रग को डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में एडमिनिस्टर करते हैं तो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एक्शन प्रोड्यूस होता है उसका अध्ययन करने के प्रोसेस को हम फार्माकोजेनेटिक्स कहते हैं। द रिड्यूस एब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू डिफेक्टिव एंजाइम सिस्टम। ओके, तो अगर हमारा एंजाइम्स यानी कि जो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इंक्रीज कर रहा था अगर वो काम नहीं करे तो क्या होता है, हमारे बॉडी में जो अब्जॉर्प्शन होता है वह डिक्रीज हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा कन्वर्ट द अल्कोहल टू एसिटाल्डिहाइड विच इज नॉट इंटॉक्सिकेटिंग। यानी कि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है वो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में क्या करता है, अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, बट वो क्या होता है, नॉट इंटॉक्सिकेटिंग यानी कि कोई भी काम नहीं करता। अब देखते हैं डिसीज स्टेट। Absorption and bioavailability may affect in condition like malabsorption, thyrotoxicosis, chlorhydria and biliary obstruction. Okay, absorption and bioavailability process जो है वह कौन कौन से disease state में affect होता है, अगर individual disease जैसे कि malabsorption, thyrotoxicosis, chlorhydria and biliary obstruction से suffer हो रहा हो तो उन पेशेंट में क्या दिखाई देता है, अब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी प्रोसेस में कुछ इफेक्ट दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल आयरन इज मोर अब्जॉर्ब्ड इन एनेमिक पेशेंट व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल पेशेंट। ओके, तो एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं, जो आयरन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं
यानी कि इंडिविजुअल में एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो एनेमिक पेशेंट में जल्दी अब्जॉर्ब हो रहा है इन कंपेयर टू नॉर्मल पेशेंट।